हेलो सभी सम्मानित जन माता पिता और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ में। मैं शिव शंकर एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत शुभ एवं महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। ब्रिटिशों ने 200 से अधिक वर्षों तक हमारे भारत पर शासन किया। हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, देश की आज़ादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन वीर सपूतों को मेरा सशस्त्र नमन, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उस भयानक क्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका सामना हमारे पूर्वजों ने किया था। वे हमेशा हमारी यादों में और जीवन में प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज़ादी के बाद से हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कृषि, विनिर्माण और शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में भी विकास किया है। हमारा भारत देश बहुत सारी संस्कृति और सामाजिक विविधताओं के लिए जाना जाता है, इसलिए हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 में हम संकल्प लें कि अपने देश के कानून का पालन करेंगे एवं स्वच्छता को बनाए रखेंगे और स्वच्छ भारत अभियान का पालन करके अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, जिसमें हमने बहुत कुछ खोया है, परंतु संघर्ष के साथ साथ वर्ष 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, जैसे कि देश में स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है, सावधानी बरतना कितनी ज़रूरी है, एक दूसरे की मदद करना और प्रकृति को सहेजना और अपनी संस्कृति को संजोए रखना, अन्न की कीमत क्या है, मानसिक संतुलन बनाए रखना, विविध तर्कपूर्ण विचारों को उजागर करना और भविष्य में आने वाली किसी भी बड़ी विपदा से निपटने की मानसिक तैयारी, ये सब वर्ष 2020 ने सिखाया है। तो आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लें कि खुद को भारत के संवेदनशील अनुशासित नागरिक के रूप में सुधारेंगे और हम सब मिलकर अपने भारत देश को विश्व का महान राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आन देश की शान, देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद, जय भारत।